कौन है तू? तुझ में इतनी पावर कैसे? तूने मुझे मारा, मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही? कौन है तू लड़की? मुझे अपनी पहचान बता, नहीं तो मैं तुझे मिटा कर रख दूंगा। बोर फिलहाल भैया अभी पॉइंट ये है कि सिलेडी देख ली ना, तो देख रहा हूँ उसने, समझ गए देखते कौन है। ये मेरी लाइफ में बहुत पहले से है। हमें एपिसोड्स में कब देखने को मिली रोज़ा? कब मिली? कुछ ही टाइम पहले, जब सीज़न 2 हमारे स्टार्ट हुआ था, हम लोग पहला लॉस सैंटोस गए थे। एंड वो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, 5-6 महीने पहले पुरानी बात है, तब ही बस हम लोगों को रोज़ा दिखी थी। बट रोज़ा हमारे लिए तब से नहीं है भैया, वो क्या पता कब से ट्रेवर की लाइफ में उसको पता लगा। देखो ये मैं अभी छेड़ूंगा इन्हीं टॉपिक को, बिल्कुल मैं टच नहीं करूँगा क्यों रोज़ा वहाँ गई क्या नहीं गई, क्योंकि मैं हिस्ट्री वाले एपिसोड में बिल्कुल भी कोई स्पॉइलर नहीं करना चाहता। बाद में देख लेना भैया, क्योंकि अगर मैं पहले ही बता दूंगा तो उस एपिसोड का मतलब ही सारा ख़त्म हो जाएगा। बस इतना आप देख लो, वो है इसी लड़की के पीछे आज तक पड़ा प्रेडेटर, बट कुछ कर नहीं पाया। बहुत पहले से जानता है देखो प्रेडेटर इसको, क्योंकि इतने पहले पिटाई हुई है तो जाने गई। तो ठीक है चलिए निकलते हैं यहाँ से। तो मेरे प्यारे भैया ट्रेवर, ज़रा फटाफट से निकलो, लेट बिल्कुल मत करो, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन आई है तगड़े तगड़े वाली। अली ने फिलहाल मुझे यही बोला है कि जो आपने बुक में पढ़ा है ड्राइवर सर, उसको चेक कीजिए, देखिए उसमें क्या का सच्चाई है क्या का नहीं है, पता लग जाएगा। तो ठीक है भाई, ड्राइवर अभी जाने वाला है असली ट्रेवर घर पर। उस बुक में शायद से एयरपोर्ट में मिस कर दिया, बट उसमें सारी चीज़ें, बट मैंने फिर बोला तो आपको पता ही है, ऑलरेडी बताने की जरूरत नहीं है। वो ड्राइवर असली ड्राइवर है लॉस सैंटोस का, जैसे मैंने आइडिया तो बिल्कुल ठीक है, वही असली ड्राइवर है। बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस यूनिवर्स का वो एक असली यूनिवर्स का असली ड्राइवर है, और जो ये हम लोग हैं हम ड्राइवर नहीं है, वो तो हम लोगों को पहले से ही पता है, ये बात भी है। तो ड्राइवर को अब ये बात पता लग चुकी है खुले में, ड्राइवर अब उस असली ड्राइवर घर पर जा रहा है, जा करके चेक कर रहा है, क्योंकि उसमें उसकी जगह भी लिखी हुई है कहाँ पर वो था पहले। मुझे पता है आज के डेट में वो घर अब किसी और का होगा, बट पूछताछ करते हैं उसके बारे में, क्या होता है कोई अड़ोसी पड़ोसी पुराना बंदा मिल जाए, कुछ जानता हो उसके खानदान के बारे में, किसी और के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें हैं, उसमें बहुत छोटी छोटी डिटेल्स भी है जो मैंने आपको नहीं बताई। मैंने फिर बोला मैंने आपको बेसिक मोटी मोटी बात बता दी है, क्योंकि अगर छोटी छोटी डिटेल में जाएंगे ना तो भैया बस फिर तो बैठे रह जाएंगे हम लोग हिस्ट्री में, क्योंकि वो बहुत बड़ी ज़िंदगी है उसकी। उसने तो उस बुक में पूरे कई सालों की ज़िंदगी लिख के रखी है ना, हर डिटेल लिखी है उसमें कि ट्रेवर आज यहाँ गया, आज उसने इस माफे को मारा, मैंने उसकी ये मदद करी, उसने सब कुछ लिख के रखा है, हर एक दिन का अलग पेज है उसमें। एंड भाई एक साल में 365 दिन होते हैं, और ये बात काफ़ी सालों की उसने लिख के रखी है। तो भैया समझ रहे हो आप, उस बुक में पहली बात तो इतनी मुश्किल से एडजस्ट करके रखा है सारी चीज़ों को, जो चीज़ एक पेज पर आनी चाहिए, मतलब कि एक दिन की उसने 3-4 दिन की एक ही दिन की, मतलब कि एक ही पेज में लिख दी इतनी सारी बातें, ऊपर से इतने साल बीत गए, तो हर चीज़ को डिटेल में देखना बड़ा इम्पॉसिबल टास्क है। ऊपर से बहुत सारी तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी ट्रेवर की, जैसे मान लो बाबा जी ने ब्लॉगिंग करी है ट्रेवर की लाइफ की, कि ट्रेवर आज यहाँ गया, ट्रेवर ने ये खाया वो किया वगैरह वगैरह, बस बहुत से दिन तो ऐसे भी है। ट्रेवर भैया निकलो यहाँ से, घर पे चेक करते हैं, मैं जानकारी लेना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि आखिर ट्रेवर, अब ट्रेवर के अंदर इच्छा आई है ना उस ट्रेवर को जानने की, क्योंकि ये समझना चाहता उसके कैरेक्टर को, आखिर वो क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है सारी चीज़ें, क्या आखिर सच्ची में मैंने उसके परिवार को मारा है, क्योंकि बुक में तो ये लिखा हुआ है ट्रेवर का घर ये था। तो भाई अब देखो ये घर वो तो नहीं है, इसको दोबारा बना दिया गया है, एंड उसके बाद में यहाँ पे जो अड़ोसी पड़ोसी है ना ये इसे पूछताछ कर ली है, ऊपर से घर के मालिक तो यहाँ पर है नहीं, ये घर अभी आजकल खाली रहता है, बोल रहे हैं कि यहाँ पर इसमें कोई रहता नहीं है, काफ़ी साल पहले इसको पेच करके इसका मालिक कहीं पर शिफ्ट हो गया है, बट अब यहाँ पर काफ़ी सालों से, बताइए तुम्हें क्या पूछ रहे हैं। तो मैंने पूछा यहाँ पर बहुत साल पहले कोई ट्रेवर नाम का बंदा रहता था, उसकी फैमिली बोला कि हाँ रहते थे, मेरे दादाजी ने बताया था, मतलब कि बहुत पुरानी बात है कि इस वाले घर में बहुत टाइम पहले आग लग गई थी, एंड जिसमें सब मर गए थे, कोई नहीं बचा था। चलो तो इसका मतलब दुनिया के लिए वो ट्रेवर ही मर चुका है, आप समझ रहे हो, वो ट्रेवर जिंदा नहीं है दुनिया के लिए, उसके ग्रेव में आपको बहुत टाइम पहले दिखाई देती कि जिस ट्रेवर को हम ढूंढ रहे ड्रैगन माफिया के बॉस को, मर चुका है दुनिया के लिए, वो मर चुका है बट वो जिंदा है। बहुत बढ़िया, उसकी बॉम्ब डेडी ग्रेव भी मैंने पता कर लिया कहाँ पर है, क्योंकि डायरी में तो चीज़ नहीं है, बट मैंने ऐसे ही पूछा कि अच्छा करो चलो चल के मर गए थे,
तो उनकी ग्रेव वगैरह कहाँ पर है, क्योंकि क्रिश्चियन वगैरह तो ग्रेव होती है ना, तो ग्रेव मिल जाएगी। तो उन्होंने बोला हाँ ग्रेव है मेन लोस एंड उसके, वो बहुत अच्छे जाने वाले लोग थे, तो उनकी ग्रेव बिल्कुल अच्छी जगह पर है। जो लोस एंड महंगा ग्रेव यार्ड है ना वहीं पर है मेन वाला, मेरे को बता भी दिए थे डिटेल में। तो वहीं जा कर के चेक करते हैं भाई कि आखिर क्या क्या नाम था उसके पेरेंट्स का, सारी चीज़ें, ताकि अच्छे से हम उसको और थोड़ा समझ सके। क्योंकि जब उस ट्रैवलर को समझेंगे तो उसके बारे में समझेंगे तो क्या पता उसको मारना इजी हो जाए या फिर उसको मारना इजी ना हो, क्या पता फिर उसको मारने की वजह ना हो हमारे पास, ऐसा भी तो सकता है ना। क्या पता वो कुछ हमें काम की चीज़ मिल जाए उसकी लाइफ में, कुछ लिंक मिल जाए हमसे उसका, कुछ भी हो सकता है। इसलिए जितना उसके बारे में जानेंगे उतना बेस्ट है। तो ट्रेवलर भैया ग्रेवयार्ड पर निकलो, तुरंत निकलो, लेट मत करो। बहुत जल्द तू भी किसी जमीन के अंदर पड़ा होगा और कोई तुझे याद नहीं करेगा। जो तूने मुझसे छीना है उसके बदले में तुझे तोहफा मिलेगा मौत। फिलहाल सीरियलिटी देखी आपने, ट्रेन पहुंच गए थे ग्रेवयार्ड के पास में, एंड एलिजाबेथ उसकी माँ का नाम है, पापा का नाम लिखा नहीं हुआ पत्थर पे, तो अमेजिंग लेवल एलिजाबाथ अमेजिंग, इसके ऐसे बोल सकते फरी हुए बट एलिजाबेथ नाम है। तो अभी चलो बढ़िया बात है, तो ठीक है मम्मी का नाम पता लगा कम से कम। बट वो बंदा आया देखो सिनेटिक यहाँ पर है, उसको पता लगा होगा मैं उसकी मम डैडी ग्रेव पर आया, तो उसने आगे बता क्या बोला, तो चिंता मत कर तुझे भी ज़मीन में मैं ऐसे दबाऊँ किस दिन। तो भैया वो तो बहुत गुस्सा खा के रखा है मुझे, बात इतने सालों से बाबा ने उसकी सोच ख़राब कर दी है, उसके दिमाग में इतने सालों से उसने ये भर के रखा है कि मैंने उसकी सब कुछ मिटा दिया, मैं ही उसका लाइफ का मेन विलन ये वगैरह वगैरह। तो वो बंदा मेरे सर में दर्द बनेगा यार बहुत तगड़े वाला, देख लिया मैंने। माइकल के पास निकलता हूँ, माइकल की थोड़ी हेल्प करनी यार। माइकल बोल रहा है ट्रेलर बहुत तगड़ी बोर हो रही है यार, प्लीज़ कुछ आर्मी की हेल्प कर दे जाकर एक जगह पर। मैंने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो ठीक है निकलते हैं जैसे जगह पर तेरे यार भैया, फटाफट से निकलो लेट मत करो। पहुँच गया हूँ मैं आसपास के एरिया के नज़दीक में, तो यहीं पर भाई जंगों के रखे जिसके आप मैप पर देख रहे हो। पता नहीं यार कौन सी माफिया आ गई एकदम से अटैक करने के लिए। देखो ड्रैगन माफिया तो नहीं आएगी यार अब, क्योंकि सैम तो वैसे भी मेरे को लगता है शरीफ ही है। सैम सच बोल रहा है भाई। ओके सामने से गाड़ियाँ भी आना शुरू हो गई है, अभी दुश्मन की है अपनी है वो देख लेगा। हेलो बेटा कहाँ जा रहा है? अबे ड्राइवर हूँ मैं। अच्छा अपनी वाली है गंदे, ठीक है छोड़ने, तो मैं दुश्मन समझ के इसको ठोक देता अभी, तो बढ़िया बात है, खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बंदे यार देखो जंग तो हो रही है, गाँव का हो रही, थोड़ा हमें सपोर्ट कर देते। माइकल ने बोला तो यार कर देते बेचारा माइकल, अपना घर का बंदा है। एंड ये हेलीकॉप्टर वाले नमूने अरे मारे को तो, अरे भैया मार दिया ट्रेवर को, बे शर्म शर्म नहीं आती ये, ले बेटे चल 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 गोली खा ले। अरे यार हद हो गई है, हेलीकॉप्टर है मुझे सीमेंट से बना हुआ, कुछ हुआ ही नहीं इसको, इतनी गोली मारी बेटा रुक जा। अरे 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 मार दिया, अरे मार दिया मार दिया मार दिया मार दिया। अरे नमूने बस शर्म कर ले थोड़ी सी, हेलीकॉप्टर तो इसके बोले थोड़ी को तो कुछ भी कर लेगा तेरा नेता, तो बेटा ऐसे बनेगा देख। चल बेटे यार भाई आगे निकल मेरे को गोला मारेगा, मेरे को गोला मारे कहाँ पर कहाँ पर कहाँ पर। अरे तू अड़ जा ये ले मार गोला। नमूने ड्राइवर है इसको, मतलब ड्राइवर नाम चीर फाड़ देगा। अरे इतने गोले मारे इसने, बट एलियन गन फैस्ट गन ले बड़ा चल निकल बदतमीजी, पापा से पंगा। सही बात है, उल्टे काम उल्टे काम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, माइकल ने भेजा है तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। नीचे दुश्मन पार्टी है या अपनी पार्टी है भैया? अपनी पार्टी लग रही है मुझे, हेलीकॉप्टर दुश्मन पार्टी की लग रहा है भाई। आरपीजी से तो निशान लगाना बहुत मुश्किल है। हेलो पहले ही मर गया, बहुत बढ़िया। तो एक और आ गया, ओके दुश्मन पार्टी का है। ये ले बड़ा गोला खा ले, अरे हद हो गई लग गई, चलो फिर भी लग गई है फिर भी बाई चांस। चलो ये ले बड़ा, अरे अरे अब की भारी लगी। अब ट्रेन कैसे उल्टे सीधे हाथ करके गोले चला रहा तू? तो फिलहाल भाई मूविंग ऑब्जेक्ट में बहुत बढ़िया, चलो मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं ये बोल रहा था मूविंग ऑब्जेक्ट में ऊपर से हेलीकॉप्टर टाइम में आरपीजी से निशाना लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो एकदम से घूम जाता है ऊपर नीचे तो मिस हो जाता है, क्योंकि आरपीजी लॉक करके नहीं लगा सकते ना आप। तो ठीक है यार देखो थोड़ा जंग लड़ते हैं, 5 मिनट 10 मिनट कितना भी लगेगा, बट आर्मी की हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी ही लड़ाई है ना कि कोई आर्मी की पर्सनल लड़ाई। बस ये समझ लीजिए आर्मी तो हम, मतलब कि आर्मी तो हमारी बेचारी हेल्प कर रही है। ये रॉकेट वो ऑटोमेटिक वाला था, ऑटोमेटिक वाला मारते हैं ट्रेवर भैया, इसको लॉक करो ना। मुने को अलीना का फ़ोन आया, बोल रहे ट्रेवर सर इतनी अमेजिंग और इतनी भयानक बात पता लगी है कि आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। मैंने बोला सर क्या पता लग गया? बोल रहे प्लीज़ आप आइए मैं आपको यहीं बताऊँगी। भैया ऐसा है चल देते हैं, ये लड़की डरा रही है मेरे को बहुत तगड़े तरीके से, अब डरा रही है तो थोड़ा डर लेते हैं। भैया ऐसा क्या इसको पता लग गया जो ये सर में दर्द करने वाली है मेरे?
जाके चेक करता हूँ। तेरे यार भाई फटाफट से निकल यार, लेट मत करना। पहुँच चुका हूँ जगह पर, बस दो चार पाँच मिनट में पहुँच जाऊँगा। चलिए चलिए चलिए, मतलब एक ही मिनट लगेगी नीचे जाने में, थोड़ा बड़ा है ना यार गैरेज, टाइम लगता है। एंड फिलहाल देखो रोबोट यहाँ पर दोबारा आ चुका है, खैर उसको रिपेयर कर ही दिया था लास्ट में डेविड ने, एंड ऊपर से अपने प्यारे भाई ने, मतलब कि वो ट्रेवर ने खुद ही ठीक कर दिया डोगी को। तो डोगी भी नॉर्मल है, रोबोट भी नॉर्मल है, नहीं तो डोगी तो मर गया था, रोकी ने बहुत बुरा काम किया था। अच्छी बात क्या है, ड्राइवर की पावर्स ने हेल्प कर दी। अलीना फटाफट से आ जा, बता मेरे को सारी बातें। Look in my eyes, they lie. Went to hell a couple times and say I don't try. I tried. Now there's nowhere left to hide. Now it's time I'm undone. Everything I've become. Let me show you my darkness. Star. मुझे मत मारो प्लीज, देखो जैसे तुम चाहोगे मैं ऐसे ही करूंगा, मैं प्लीज मरना नहीं चाहता। अब तो मैं तुम्हारे ऊपर अटैक भी नहीं करता, अब तो भूल गया अपने भाई को भी, मुझे माफ कर दो, बस मैं जीना चाहता हूँ, मैं शांति से जीऊंगा। फिलहाल सिनेमैटिक आपने देख ली, अब बताता हूँ ऐसा हुआ क्यों। ड्राइवर के अंदर अचानक से पावर आई, भाई देखो पावर की मर्जी है, वो आती है जाती है, वो खुद की उसकी मर्जी की बात है। बट ट्रेवर फिर सैम के पास आया, एंड बेटे बहुत बढ़िया है, शाबाश ट्रेवर, 50 रुपये बेटे फिर से। अरे तू तो अमीर हो जाएगा भाई ऐसे 50-50 लेते लेते, बेशरम। इसको ना फर्स्ट पर्सन रखेंगे तो ऐसी फालतू चीज़ें देखने कब मिलेगी। तो ठीक है सैम की बात कर लेते, तो सैम हमारे प्यारे भैया बोला, भैया हमें मत मारना, मैं बहुत शरीफ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैंने बोला बहुत बढ़िया बात है, होना भी चाहिए। तो अलीना ने पता क्या बोला, अब क्या ही बोले क्या बोला, वैसे मेरे को पता ही था ऐसा हो सकता है, शक था बट ऐसा हो गया। उसने बोला कि असली रॉबर्ट फिलिप्स का बेटा वो है, समझ रहे हो, उसके पापा का नाम रॉबर्ट फिलिप्स से अभी पता लगा, मम्मी एलिजाबेथ एंड पापा रॉबर्ट फिलिप्स, उसके पापा का नाम है रॉबर्ट फिलिप्स। देखो हमारा तो बताया गया हमें, उसके पापा का और मेरे पापा का नाम सेम नहीं हो सकता, ये कोई इत्तिफाक नहीं है, इसका मतलब रॉबर्ट फिलिप्स का बेटा वो सच्ची का है। तो ये बात जब ट्रेवर के सर में आई तो ट्रेवर का सर घूम गया, तो रॉबर्ट फिलिप्स का बेटा वो है तो हम कहाँ हैं भैया। अरे हद हो गई है यार। तो पॉइंट लेने की ये बात है, काफ़ी सही बात बोली अली ने, थोड़ी अजीब बात है, तो इसका मतलब असली बेटा वो, असली ट्रेवर वो, लॉस एंड उसका, हमारा तो हिसाब ही बैलेंस ख़राब हो गया भैया। यार बहुत टाइम पहले टेक्नो ने मुझे बात बोली थी, मैंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया था कि ट्रेवर तुम असली नहीं हो, तुम एक नकली इंसान हो, ये और वगैरह वगैरह, सही थी उसकी बात यार, असली ट्रेवर वो है इसका, मतलब इस यूनिवर्स का। सैम ने बोला भैया मेरे को कुछ नहीं पता, मुझे मत मारना। तो ट्रेवर ने फिर कुछ नहीं किया। ज़ार का फिर से फ़ोन आया, देखो इसके सर में दर्द तो है रॉबर्ट फिलिप्स वाली बात सुन करके, तो अब इसको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेनी है यार, इस बंदे के हिस्ट्री में घुसते घुसते ना हमारे तो खुद की इतने काम ख़राब हो जाएंगे, ट्रेवर सोचेगा यार मैं तो क्लोन हूँ सच्ची में, क्योंकि असली बंदा वो, असली में रॉबर्ट फिलिप्स उसके पापा, सारी लाइफ तो उसके पास चली गई ट्रेवर की। ज़ार से मिलने जा ही रहा था, इन्फॉर्मेशन आई कि बहुत सारे रोबोट थे जो कि हाईवे पर हैं, मेरा शिकार करना चाहते हैं। तो मैंने बोला आ रहा हूँ दो मिनट में आ रहा हूँ, रोबोट को नानी याद दिला देंगे, ये ले बेटा रोबोट की नानी होती नहीं है, बड़ा मना देंगे और फिर याद दिला देंगे। इधर आए बड़ा नमूने कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है यार, सर में दर्द कर दिया बंदों ने। अरे यह गलत टाइम पीरियड मार रहा है ड्राइवर भाई, तो मैं नेता बना लूँगा सही में, इतना सर में दर्द कर दिया इन लोगों ने मेरे। ठीक है देखो 2-4-5 मिनट तो लगने वाली है बंदों को मारने में, एंड अब लगवा ले गोली तभी दो रात। ठीक है चलिए ये बंदा खत्म, 8 गोली आती है, मैं भी देखो बार बार रिलोड में इतना टाइम वेस्ट कर रहा है।
खैर चले देखो, 2-4-5 मिनट जाएगी बंदों को मारने में, पर मैं शॉर्ट गन से इसलिए मार रहा हूँ यार बहुत दिन हो गए शॉर्ट गन चलाए हुए, एंड शॉर्ट गन चलाने में मज़ा बहुत आता है आपको बताइए, इसकी पावर भी तगड़ी है, 2 मिनट लगती है बट टाइम लग जाता है मानता हूँ, मिनी गन से एजन गन से ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट देखो है बहुत बढ़िया, मतलब अमेजिंग फील आता है जब कोई बंदा ऐसे उड़ के जाता है ना, तो मज़ा आता है सब देखने में उसको। हाँ यार बेटा गोली खा ले, ले निकल, तो ठीक है चलिए ये बंदा खत्म, दो ही बचे हुए, उसके साथ जार से मिलने में तो जाना आपको बताइए, जार मेरा प्यारा जल्दी 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 मार, फिर भैया आ गया चले बेटा मर गया, अभी भी कोई जिंदा है, चलिए फाइनल टच अप एलियन गन से दे देंगे, अब ऐसा नहीं उसको ढूंढने में टाइम वेस्ट करेंगे, चले बेटा जहाँ पर भी निकल ले टाइम नहीं है, चल ट्रे भाई उछल फटाफट से जूते बंद मेरे शायद से। अगर तुम्हें ड्राइवर को अपना बनाना है तो उसको भरोसा दिलाओ कि उसकी जिंदगी मॉन्स्टर ने बर्बाद करी है, मालिक ने बर्बाद करी है, जाओ मिटा दो उसके जाने वालों को। जार के पास आ गया एंड सिनेमैटिक आपने देखी, मैंने बोला था ना ये बंदा किसी का सगा नहीं है, इसने सब कुछ गलत लिख के रखा है अपने बुक में, अपने आप को सुपर हीरो बनाया है दुनिया के सामने, अपने आप को बहुत अच्छा दिखाया है, एंड ट्रेवर है बदमाश, इसने जानबूझ के ट्रेवर की लाइफ बर्बाद करी, यही है वो बंदा जिसने रॉबर्ट फिलिप्स को मारा, प्रेडेटर नहीं उसकी मॉम को मारा, उसके डैड को मारा, उसके पूरे खानदान को ख़त्म करके उसके घर में आग लगाई, और वो ब्लेम मेरे ऊपर डाला, मालिक के ऊपर डाला, और बोला कि सब कुछ उसने करा, उस बोल ने ही बोला कि उस ट्रेवर को अपना बनाना है, तो उसके दिल में इतनी नफरत भरो मेरे खिलाफ कि वक्त आने पर वो बिना सोचे समझे मुझे जान से मार दे, तो बाबा ने आज तक जो कुछ भी किया उसकी लाइफ में, मतलब उसकी लाइफ में जो कुछ बुरा हुआ है ना वो सब प्रीडेटर ने किया है, मैं मान सकता हूँ, मतलब बड़ा पागल इंसान है यार, और पता किया क्यों है, ताकि उसको एक बॉडी गार्ड मिल सके, वो दिल से उसको प्यार व्यार नहीं करता, वो एक तरीके से उसको अपनी ढाल बना रहा है, वो चेक कर रहा है कि ट्रेवर के अंदर से जो एक्सपेंड करके पावर निकाल रहा है क्या वो ट्रेवर को मार सकती है, नहीं मार सकती, अगर मार सकती है तो बढ़िया वो मार देगी, नहीं मार सकती तो वो मरेगा ना कि बाबा, ये प्लान था प्रेडेटर का, बट उल्टा पड़ गया, ट्रेवर ने उसको ना मारा, उसको फ्रीज करके छोड़ दिया और बाबा को मारा, बेचारे का प्लान उल्टा ही हो गया, नहीं तो प्लान तगड़ा बनाया था, वो सिर्फ एक उसका एक्सपेरिमेंट था चलता फिरता, जिसको वो सबसे पहले लड़वाना चाह रहा था एंड देखना चाह रहा था कि कुछ होगा या नहीं होगा, और चालू होते इंसान देख रहे हो भाई फ्लैशबैक में कैसे कैसे रूप देखने को मिल रहे हैं प्रेडेटर के, मतलब पहले ही बोला था ये बहुत मतलब इंसान है एंड ये मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है अपने मतलब के लिए, किसी को बेटा बना सकता है और उसी के माँ बाप को मार सकता है एंड ये एंड वो वगैरह वगैरह। जार ने ट्रेवर को एग्जैक्ट डेट एंड टाइम बता दिया है जिस वक्त उस ट्रेवर का घर ख़त्म हुआ था, ये बोल रहा है ट्रेवर तुम अपने आप वहाँ पर जा करके चेक करो, जल्दी जाओ जा करके चेक करो, ये वो ट्रेवर को नहीं पता कि उसके माँ को किसने मारा, उसका घर घर यार किसने जलाया, इस सिनेमैटिक हमने देखा ना, बट ट्रेवर उस चीज़ को देख लेगा क्योंकि जार ने इसलिए तुम्हें बुलाया इस चीज़ पता करने के लिए, जार को मैंने सारी बात बताई थी ना आज, तो जार भी इस चीज़ के पीछे मेहनत कर रहा है, बेचारा मेरी हेल्प कर रहा है, मैं बोल रहा है ट्रेवर तुम्हें बहुत काम की चीज़ पता लगेगी, तुम फास्ट में जाओ पोर्टल को यूज़ करके उसी टाइम फ्रेम में जाना एग्जैक्ट जहाँ पर मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, तुम्हें पता लग जाएगा उस ट्रेवर की लाइफ किसने बर्बाद करी है, कौन उसका कान भरता है आज तक, तो सब पता लग जाएगा, बाकी फिर तुम्हारे ऊपर है ट्रेवर करना क्या चाहती हो तुम, वो तुम्हारी मर्जी है तुम क्या करो, फिलहाल तुम जा कर के देखो, तो ठीक है डेविड के पास निकलते हैं, तुरंत पोर्टल को यूज़ करते हैं एंड निकलते हैं उस जगह पर जहाँ पर उस वक्त वो घर सही सलामत था या फिर ख़त्म हुआ था, सिर्फ उसी टाइम पर हमें निकलना है, तो देखो आगे कितने सारा काम किया, खैर अपनी आंखों से देखेगा तो काफ़ी आसान हो जाएगा इसको स्टोरी में काम देने में। डेविड से आकर के बात कर लिए, सब कुछ बता दिया मैंने, कौन सा टाइम फ्रेम, कौन सा वक्त, हर चीज़, कौन सी लोकेशन, सब बता दिया है, 2 मिनट में पोर्टल एक्टिवेट होगा एंड पहुंचेंगे हम लोग भाई सब जगह पर, बस चाहे शूज़ वगैरह ऑफ कर ले, पहुंच जल्दी से, बस काश यार सब कुछ बेस्ट हो जाए,
कोई दिक्कत परेशानी ना हो पास्ट में जाकर के, क्योंकि हम लोग पास्ट में ट्रेवल कर रहे हैं एंड उस वक्त में प्रेडेटर भैया ने शाबाश है भैया, अरे मजा उठा दिया, अरे बदतमीज इंसान, एक ही एपिसोड में 3 बार 150 रुपये पेटीएम, तो अमीर हो जाएगा भाई। अरे यार बड़ा बेशरम है ट्रेवल, तो यार आपने नोट करा, ये जानबूझ के कर रहा है क्या, सुन रहा है क्या ट्रेवल हमारी बातों को, बस समझ नहीं आ रही। अबे भैया कोई और भी एक्शन कर ले, तो नाक साफ नहीं कर रहा आज, आज बार बार एक ही एक्शन करे जा रहा है भैया, ये नहीं सुधरेगा। अरे भैया कहती नाक साफ, अरे यार अरे भाई अरे कुछ तो कर ले, अरे GTA वालों कौन सी भांग मार के तुमने ट्रेवल का कैरेक्टर लिखा था, अरे यार हद हो गई, कुछ ढंग के एनिमेशन नहीं बना सकते थे क्या, ड्राइवर भाई हमारा सबसे बढ़िया हीरो है, हम उसकी इज्जत बनाना चाहते हैं, ये रॉकस्टार वाले गिराना चाहते हैं, गिराऊंगा गिराऊंगा गिराऊंगा, उठा ले उठा ले उठा ले, मैं तो गिराऊंगा। अरे भैया हद है, रॉकस्टार ने जानबूझ के ड्राइवर की इज्जत लूटी है, मैंने देख लिया, कोई फायदा नहीं इसकी इज्जत बचाने का, वो लूट चुके हैं पहले ही। तुम हमारे समय के तो नहीं लगते, तुम ड्राइवर ही हो ना, मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया, पर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम भविष्य से यहाँ पर आए हो तो बड़ी वजह है, मुझे लगता है शायद जो मैं करना चाहता था वो मैं कर चुका हूँ और तुम आए हो उसको यहाँ बदलने के लिए, पर जो हो चुका है मेरे दोस्त वो कोई नहीं बदल सकता, और अब मैं जान गया हूँ कि मैं अपने मकसद में पूरा हुआ, क्योंकि अगर मैं जीतता रही तो तुम यहाँ आते नहीं ड्राइवर, चिंता मत करो मैं कुछ बदलने नहीं दूंगा, मरोगे तुम। मेरे पास में ट्रेवल करने से कुछ चेंज हो गया शायद, देखो अभी ये बात सिर्फ मुझे पता है, ये बात अभी उसको नहीं पता शायद से फेक ड्राइवर को, क्योंकि वो अभी भी यही समझता है प्रेडेटर मर चुका है, बट मुझे लगता है प्रेडेटर नहीं मरा, वो ज़िंदा है। पता है क्यों, मैं पास्ट में गया, वहाँ पर मैंने बिल्कुल सही नज़ारा देखा, उसका घर बर्बाद था, मोम डैड घर के अंदर ही चल के मर गए होंगे, प्रेडेटर वहीं पीछे ही खड़ा था, क्योंकि उसी वक्त उसने चलाया था वो घर, तो उसने देखा यार ये ड्राइवर जैसे दिखने वाला बंदा कौन वहाँ पर आया, बहुत बातें हुई हमारे बीच में आपने सुनी, उसने बोला ड्राइवर तुम यहाँ पर कैसे, तुम इस वक्त के नहीं लगते, तुम कहीं और से आयो, अगर तुम फ्यूचर से, अरे बेटे ड्राइवर तेरी कमर तोड़ दूंगा मैं 200 रुपये, अगर तुम फ्यूचर से आए हो तो इसका मतलब मैं अपने प्लान में सक्सेसफुल हो चुका हूँ, तुम प्लान बदलने आए हो, या अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई फ्यूचर में तो मैं उसको बदल दूंगा, बट इतना पक्का है ड्राइवर तुम अगर यहाँ पर आए हो पास्ट से, मतलब फ्यूचर से पास्ट में आए हो, तो मैं सही जा रहा हूँ, मेरा मकसद सही है, सब बढ़िया हुआ इसका मतलब। मैंने फिर उसको बोला मैंने तेरे को चीर फाड़ दिया बाबा, ये बात आपने सुनी नहीं है, बट मैंने उसको बोला कि तू मर चुका है फ्यूचर में, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ मैं देखने के लिए तेरी गंदी हरकतों को, कि तूने क्या क्या किया है आखिर मेरी लाइफ में और उसकी लाइफ में। ये बात सुनते ही बाबा ने यही बोला कि तू कुछ भी कर ले बट अब मैं जान चुका हूँ और अब मैं वो नहीं होने दूंगा जो तूने कर दिया है, मैं बदलूंगा वक्त को ड्राइवर, तू देखना क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे पास में जाने से गड़बड़ हो गई यार, पापा को पहले ही पता लग गया उसकी मौत कब होने वाली है, अब वो उस दिन मरा ही नहीं जिस दिन मॉन्स्टर ट्रेवर ने इसको फ्रीज किया रोजा के पास में, पिछले एपिसोड में जो हुआ था, जो अभी मतलब एक दूसरे एपिसोड पहले हुआ था, उस वक्त क्या हुआ, प्रेडेटर पापा को जब रिंग के एरिया में मारने गए थे ना मॉन्स्टर, वहाँ पर मिला ही नहीं, क्योंकि उसको पता लग गया था मेरे फ्यूचर के मैं इस दिन यहाँ पर ऐसे मरूंगा, लापता हो गया किसी और प्लेनेट पे भाग गया बच गया शायद, बट ये बात वो ट्रेवर नहीं जानता, आप समझ रहे हो, उसको नहीं पता कि उसका बाबा बचा हुआ है, वो यही समझता है कि वो मर गया, प्रेडेटर उसके सामने अभी तक नहीं आया क्योंकि वो कुछ और सोच रहा है, सब कुछ सेम रहा फ्लैशबैक में, कुछ नहीं बदला, आप कन्फ्यूज मत होना, सिर्फ बाबा ने अपनी मौत बदल ली, जिस दिन जहाँ जिस वक्त वो मरना था वो वहाँ से लापता हो गया बस, बट सब यही समझते हैं वो अभी तक मरा हुआ है, बट उसने मेरे को पास्ट में से यहाँ आते तुरंत फ़ोन मारा और बोला दे दिया ना तेरे को झटका, मैं लौट आया हूँ ड्राइवर बट सही समय पर आने पर ही सामने आऊँगा तेरे भी और उसके भी, और अब की बार तो देखना हिला डालूँगा।
भैया टाइम ट्रैवल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करूँगा भैया। भैया ना करता तो भैया प्रेडेटर जिंदा नहीं होता भैया। मैंने अपनी पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार दी, क्योंकि पास्ट में जाके मैंने उसको ये बता दिया कि मैं फ्यूचर से आया, क्योंकि उसके दिमाग में बात चली गई ना भाई। अगर उसको पता ही नहीं होता कि पास्ट मतलब फ्यूचर में से कोई बंदा आया है तो कुछ भी नहीं होता, सब सेम ही रहता। बट उसने देखा और उसने फिर उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया कि फ्यूचर में मैं ऐसे मरूंगा ये वगैरह वगैरह, और उसने अपने आप को बचा लिया फाइनली। बहुत बुरा हो गया यार, ये ज़ार ने ऐसा आइडिया दिया मेरे को, मेरे नुकसान कर दिया। ज़ार नमूने प्रीडेटर को जिंदा करवा दिया तूने, बट देखो प्रीडेटर अभी सामने तो नहीं आया किसी को खुल करके, कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि उसका मुंह बोला बेटा भी नहीं जानता कि मेरा पापा जिंदा है। पता नहीं आखिर अकेले छुप के क्या कर रहा है, वो इसलिए छुपा है भाई, वो अभी भी सही वक्त का इंतजार कर रहा है। मुझे लगता है वो अभी भी यही चाहता है कि पहले उससे ट्रेवर लड़के ही मर जाए, और अगर वो ना मरा तो बढ़िया, मर गया तो फिर मैं बाद में आऊँगा सामने, हो सकता है। या फिर क्या बता अपने बेटे से, वो कम मिले उसकी टेंशन है। बट भैया इतना है अभी तो छुप के रह रहा है, बट जिंदा है क्योंकि फ़ोन उसी ने किया है और मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली। अलीना का फ़ोन आया, बोल रहे डेविड सस्ते नशे कर रहा है आजकल। तो मैंने पूछा कैसे, तो अलीना बोल रही है ड्राइवर सर आप निकलिए। दरअसल जब अभी टाइम ट्रेवल करके वापस आए हो ना पोर्टल से, तो गैरेज में क्यों डेविड था नहीं, ऊपर कंटेनर के ऊपर आपको मैंने सारी बातें बताई। तो मैंने सोचा यहीं पर वहाँ वहाँ पर निकली हो, कोई बात नहीं। तो वो यार दूर के डेजर्ट पे ग्रेवयार्ड पे है, ग्रेवयार्ड में क्या कर रहा है अरे बंदा, अरे जा कर के इसके कीड़े भी पूरे कर देते हैं, मतलब इसके भी नशे जो होकर रखे वो भी चेक कर लेते। चल रहा है बहुत सारी ग्रेव्स है वगैरह वगैरह, सिनेमैटिक आपने देख ही ली है, बट ये सच में समझ नहीं आ रहा है मतलब कि डेविड ऐसा क्यों कर रहा है। डेविड बैठे, अबे क्या करना चाह रहा है तू, तू बावला हो गया है। चलो ठीक है यार, अब जैसा भी ये करता है कर रहे दो, बट समझ ही नहीं आ रहा सही में यार ये बंदा ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है वेट करते हैं, निकलते हैं यहाँ से, वेट इसलिए करते हैं कि अलीना जब कुछ बताएगी इसके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन कि आखिर क्यों यहाँ पर भटक रहा है, तो फिर इसको एक्शन को आगे करेंगे। अभी तो यहाँ पर निकलते हैं क्योंकि अभी तक हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम लोग डेविड के ऊपर शक कर सके वगैरह वगैरह। इन्होंने बोला है और सैम से फिर से पूछताछ करो जा करके क्या क्या हिस्ट्री जानता है वो, उसके बारे में कुछ तो ज़रूर जानता होगा। तो मैं एक बार जा करके चेक करता हूँ क्या मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ जानता हो जो हमारे कुछ काम आ जाए। सेम यार बहुत टाइम से रहा है ड्राइवर के साथ में, मैं अब ये नहीं पूछूंगा उससे कि मैं उसको कैसे मारूं क्या करूं, उसकी लाइफस्टाइल पूछूंगा कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो पाना चाहता था, कुछ तो तुम्हें पता होगा तुम्हें क्या कुछ बता दे हमारे कुछ काम आ जाए। ड्राइवर ये निकलो, ये बात मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताई। एक बार मैं ड्रैगन भाई से मिलने गया था तो वो अपने बाबा से बात कर रहे थे, मैंने उनकी बातें सुनी। वो किसी को ढूंढ रहे हैं, किसी लड़की को, वो लड़की सब कुछ है ड्राइवर के लिए, ऐसा मुझे पता लगा। मुझे नहीं पता वो कौन है, कहाँ मिलेगी, क्योंकि आज तक वो उनको भी नहीं मिली, पर वो उसको मारना चाहते है। अगर आप उस लड़की को ढूंढ लो तो क्या पता आपको कुछ पता लगे, बस मैं यही जानता हूँ। फिलहाल बात हो गई है, देख लिया आपने, तो ये बात है। चलिए अच्छी बात कि अब ट्रेवर इस लड़की के पीछे थोड़ा और सीरियस हो जाएगा। ये बात ट्रेवर ने बुक में भी पढ़ी थी एंड सैम ने भी बात बोली अलीना को, इसे ट्रेवर ने फ़ोन करके बोल दिया कि आखिर पता करो कौन थी वो लड़की जिसके बारे में पीछे पड़े हुए हैं, क्या उससे मेरा कुछ लेना देना है नहीं है। ये बोल रहा है कि ट्रेवर की लाइफ में एक लड़की थी, ट्रेवर ने भी यही बोला अलीना को, तो भाई वो दोनों ढूंढते फिर रहे हैं। अब देखो कौन है वो लड़की, ट्रेवर की लाइफ में तीन चार लड़की आई है, टैक्सी आई है, निकी आई है, रोज़ा उस तरीके से तो नहीं आई है बट एक एज ए फ्रेंड के हिसाब से आई है, बट आई है। उससे पहले एक और थी जिसका नाम मेरे को मैरी नाम की लड़की, जो चाबी की बेटी थी आपको याद होगा,
दो चार पांच लड़की आई है ट्रेवल की लाइफ में, अब इनमें से कौन सबसे करीब हो सकती है वो चेक करना है। क्या पता उन्हीं में से किसी को ढूंढ रहा हो बाबा, या फिर वो ट्रेवर बढ़िया बोल रहा है कि उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और आज भी इनका टारगेट नहीं बदला, ये दोनों उसको ढूंढते रहते हैं बट पता नहीं वो मिलती नहीं इनको। ट्रेवर बोल रहा है ठीक है मैं ढूंढूंगा, देखते क्या चक्कर है क्या नहीं है वो देख लेंगे। ठीक है ट्रेवर निकलो यहाँ से, डेथ लॉर्ड के पास जाना है मिलने के लिए। डेथ लॉर्ड को बुलाया है ट्रेवर ने फ़ोन करके कि आ मेरे लाल तुझसे दो चार बातें करनी है। आपको बताइए आजकल डेथ लॉर्ड नमूना क्या कर सकते है, आगे निकले ट्रेवर भाई। जब मैं प्रीडेटर से मिला तो उसने मुझे लालच दिया पावर्स का। उसने मुझे कहा वो मुझे ऐसी चीजें दिला सकता है जो मैं कभी जानता ही नहीं। वो मेरे दुश्मनों को भी जानता था कि मेरे दुश्मन कौन है, वो रीवर के बारे में भी जानता था। उसने मुझे भरोसा दिलाया कि वो रीवर को खत्म करने के लिए मुझे ऐसी पावर दिलाएगा जो कभी दुनिया में खत्म नहीं होगी और कोई उसके सामने नहीं टिक सकता। इसीलिए मैंने हमेशा उसका साथ दिया, और जब बाद में मुझे पता चला वो पावर आप हो तो मैं डर गया। मुझे पावर्स नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने प्रीडेटर से फीचर छुड़ा लिया। ड्राइवर भैया ने डेथ लॉर्ड से बातें करी, आपने देख ली सिनेमैटिक, तो अब आपको पता लग गया बाबा ने क्या कह करके बेवकूफ़ बनाया था डेथ लॉर्ड का। तो ये हिस्ट्री का ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। वैसे काफ़ी पॉइंट्स जो है इस वाले एपिसोड में क्लियर हो गए आप लोगों को। अब कोई डाउट तो नहीं होगा आपके मन में इस ड्राइवर को लेकर के, आखिर ये कैसे मेरी ज़िंदगी में आया गया, कैसे इसको भड़का के लाया गया, कैसे इसको ड्रैगन का बोस बनाया बाबा ने, एंड कैसे इसकी ज़िंदगी में उसका दोस्त ड्रैगन आया, एंड वगैरह वगैरह। अब तो हर एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए इस ड्राइवर को लेकर के इसका, एंड बाबा का रिश्ता आपको पता लग गया कैसे बने बाबा बेटे, एंड वगैरह वगैरह सारी चीज़ क्या क्या ढूंढते रहते हैं, क्यों ये इतने वक्त तक रुके, कैसे इन्होंने पावर्स ली ड्राइवर के अंदर से, एंड कैसे पावरफुल बने बाबा की वजह से, बाबा ने क्यों इसको पाला, अपना एक तरीके से ढाल बना के इसको रखा ताकि इसको पहले मरवाए और एक्सपेरिमेंट कर ले, ये बात है। और इस एपिसोड में मुझसे एक गलती भी हो गई जिसकी वजह से बाबा वापस भी आ गया, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। बाकी डेथ लॉर्ड ने यही बोला कि मतलब कि प्रेडेटर ने बोला उसके अंदर बहुत पावर है, उसके बहुत कॉन्टैक्ट है, एंड वो मेरे सपने पूरे करने में हेल्प करेगा, जैसे मेरे को रीवा को ख़त्म करना है। और आपको पता है डेथ लॉर्ड इसको खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए इसने इसको चेला बनाया, एंड आगे इनकी दोस्ती चलती रही। वो आपने देखा ही पर एपिसोड में कैसे कैसे काम हुआ और फिर कैसे कैसे दोनों अलग हुए, कैसे डेथ लॉर्ड से मैं मिला जब मैंने एक बार प्रेडेटर को मारा था, वो सब एपिसोड्स में आ चुका है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ड्राइवर भैया दोबारा फिर से एक बार वो टाइम ट्रेवल करेंगे पास्ट में उसी जगह पर, हम कोशिश करेंगे कि प्रेडेटर भैया को हम जिंदा ना होने दें, मैं उसी वक्त पर जाऊँगा दोबारा बट उससे पहले ताकि मेरे को प्रेडेटर ना देख सके और सब कुछ सेम हो जाएगा। अब देखना है ये काम करेगा नहीं करेगा, ना करेगा तो कोई बात नहीं, करेगा तो फायदा ही हो जाएगा। ट्राई भैया निकलो। ये अब क्यों ना टाइम ट्रेवल बोला गलत हो गया, मैं गया था दोबारा गैरेज में पोर्टल को यूज़ करवाया एंड बोला मेरे को वहीं पर भेज, ये बाबा ने अपनी पावर से ना मेरे को टाइम ट्रेवल नहीं होने दिया भाई सही तरीके से, वो समझ गया होगा मैं वापस पास में जा रहा हूँ उसको बदलने के लिए। बट ये नमूना देख रहे हो, हाईवे पर आया हूँ मैं, हाईवे पर बहुत सारी पुलिस खड़ी हुई है, आर्मी के बंदे मेरे को एम करके रखा है। अबे क्या ड्रामा है, कौन से वक्त पर आया एक बार पता तो कर लो। हाँ भैया क्यों एम कर रहे हो, देखो मैं हाथ ऊपर करता हूँ बट बताओ उससे क्या हो गया, क्या किया मैंने, मैंने प्रेजिडेंट को जान से मारा, एंड ये 90s का टाइम है, बोल रहे कि तुम्हारी हिम्मत थी इतनी कैसे बढ़ गई, 2 रुपए के गुंडे हो तुम, 2 चोरी करने के बाद तुमने सीधा प्रेजेंट को मार दिया। मैंने बोला भैया मैंने कुछ नहीं किया, ड्राइवर ने मारा होगा, आपको पता है ड्राइवर पहले से बदमाश था, बट भैया इतना टाइम पहले तो ड्राइवर ने कोई क्राइम भी नहीं करा था,
लगता है वो दूसरे ट्रायल का भी मेरा नाम लेके क्राइम तो नहीं कर रहा था पहले भी। कोई कन्फर्मेशन नहीं है बट पॉइंट कहने की ये बात है, मेरे ऊपर ब्लेम लग के रखा कि मैंने प्रेजेंट को मारा, और बोल रहे तुमने रूप बदल लिया जल्दी, तुम क्या सोचो कि रूप बदल लोगे तो हम तुम्हें ढूंढ नहीं सकते, मुझे फंसा दे देखो पास्ट में ला करके, अब ये मेरे को आर्मी बेस लेके जाएंगे, मेरे को वहाँ पर तोड़ेंगे शाबाश ड्राइवर नमूने। तो वेट करते हैं अब तो बस वेट, इसलिए ये भी कर सकते हैं कि कब वापस अपने टाइम में जाए, क्योंकि हमारा प्लान बुरी तरीके से पिट गया, पापा ने मेरे को रोंग टाइम पे रोंग जगह टेलीपोर्ट करवा दिया, ना कि उस जगह पर जहाँ पर वो घर चल रहा था। बस अब मुझे वापस से वेट करना होगा कि मैं अपने टाइम में दोबारा पहुँच जाऊँ, क्योंकि पोर्टल का टाइम मैं सेट करके आता है 1 घंटे का, 1 घंटे बाद मैं वापस पहुँच जाऊँगा, देखते अब क्या होगा। आर्मी वाले पागल बंदे मेरे को देख रहे हो, अंदर तक घुसा के रखा है इस पोल के, बांध के रखा है मेरे को, बोल रहे कि अभी जनरल आने वाले हैं और उसके बाद तुम्हें करंट दे करके जान से मारते जाएगा, तुमने प्रेसिडेंट को मारा है, तुम मोस्ट वांटेड क्रिमिनल आज की डेट के। मैंने बोला भैया हम नहीं है वो, फंसाया जा रहा है। देखो मैं यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना चाहता, मैं चाहूँ उनको तोड़ में मार सकता हूँ सभी को, बट मेरा टाइम पूरा होने वाला है 5-10 मिनट में, इतना टाइम पूरा हो चुका क्योंकि जब तक मेरे को आर्मी बेस लेकर का 1 घंटा लगभग होने वाला है, बट मैं इनको मारना नहीं चाहता। मैंने फिर बोला मैंने इनको पास से मारा तो फ्यूचर चेंज हो सकता है, चुपचाप पतली गली से मैं खुद ही टेलीपोर्ट हो जाऊँगा थोड़ी देर में, उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा, सब सही हो जाएगा नॉर्मल, बट बाबा को ढूंढना बहुत ज़रूरी हो गया हमारी जान में। बाबा कहते हैं बड़ी दिक्कत कर दी बाबा जी ने, बाबा जी का मैं नेता बना दूंगा पीट पीट के, बस क्या ही बोलूँ। बट भैया फिलहाल अभी सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए, जैसे कि मैंने आपको फिर बोला अभी कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। मैंने फिर बोला देखो जो मर करके ट्रैवल ट्रैवल की तरफ बना ये क्या हुआ, वो चीज़ अभी मिसिंग है एंड रोज़ा के बारे में मिसिंग है, बट मेन पॉइंट क्या है ट्रैवल का ये फ्लैशबैक है, ना कि रोज़ा का और ना अपने इस ट्रैवल का, उसके बारे में था और उसके हिस्ट्री के एपिसोड के हिसाब से आपको सब कुछ पता लग गया उसके बारे में, कुछ भी अब आपका मिस नहीं है, उसका रिश्ता बाबा का सब पता लग गया, डेथ लॉर्ड एंड बाबा कैसे मिले वो आपको पता लग गया। देखा जाए अब सब कुछ हमारे सामने क्लियर है, उनकी हिस्ट्री अब कोई राज नहीं है, बाबा कुछ और अपने अंदरूनी प्लान्स हैं वो बाद में देख लेंगे, बट बाकी ऊपर ऊपर की चीज़ें हम लोगों को पता लग गई है उस ट्रैवल से रिलेटेड। अपने टाइम में वापस आ गया था, आने वाले तो बेचारे ढूंढते रह गए होंगे मेरे को कहाँ पर निकल गया। तो उसके बाद जैसे मैं लॉस एंजेलिस वापस आया मेरे पास फ़ोन आया अलीना का, बोल रहे माइकल सर डेंजर में है, जल्दी भूत वाले घर पर जाओ नहीं तो इनका भूत बना देंगे बंदे। अबे नमूनो अबे क्या कर रहे हो तुम लोग, माइकल भाई को तुम कहाँ बांध के रखा है, अबे ओ भिंडी बाजार क्या है ये, मेरे दोस्त को मारोगे, अबे आर्मी का जनरल है वो, नेता भर दूंगा तुम सभी का, मैं इधर आ जाऊँ इधर आ जाओ, चल 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 जल्दी 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 चल जल्दी ले बड़ा गोली खा ले, थोड़ा और आशीर्वाद ले 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 ले, फ्री मिल रहा है, फ्री मिल रहा है एंड अमेजिंग। अबे माइकल बदतमीज, आर्मी का जनरल होने का कोई हक नहीं तुझे, 2-2 रुपए के बंदे आकर के तेरे को बांध देते हैं एंड तो बंध जाता है, तूने बेइज्जती करा के रखी है 12 गाँव में मेरी। अरे भैया थोड़ी बहुत तो इज्जत रख लिया कर, मानेगा नहीं मानेगा नहीं तो मान जा मान जा मान जा मान जा, एक बार और मान जा, ये ले बेटे। और कोई है चेक करते हैं, नहीं तो फिर माइकल पे छुड़ाते हैं एंड निकलते हैं। माइकल को मैंने छोड़ दिया, बचा दिया, माइकल निकल जाए गाड़ी लेकर के, उसने फ़ोन कर दिया अपने प्यारे आर्मी वाले बंदों को, मेरे पास ना फ़ोन आया है एक अजीब तरीके से, मेरे को एक पहलवान मिलने के लिए बुला रहा है। अब आएगा स्टोरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आप लोगों को, क्योंकि मेरी लाइफ में दोबारा से पैराडॉक्स एंट्री मारेगा, ना कोई टाइम ट्रैवल वाला खेल करके, ना कोई मेरी मेमोरी से छेड़छाड़ करके, वो नेचुरल मुझसे मिलेगा आज। अब देख लो मेरी लाइफ में पैराडॉक्स आ जाएगा पूरी तरीके से, और अब बहुत ज़्यादा मज़े दिलाएगा पैराडॉक्स। तो ट्रेन भैया निकलो, एयरपोर्ट पर मुझे अननोन नंबर से फ़ोन आया, बोल रहा है बहुत ज़रूरी तुमसे मिलना चाहता हूँ जल्दी आओ। अब वो पहलवान दोबारा आया मुझसे मिलने के लिए, बट पहले कुछ और वजह थी, पहले मैं भाई था, अब भाई भाई का चक्कर नहीं है, अब तो और नेचुरल चक्कर है, तो देखना ये क्या हो। पहलवान से आके बात कर लिए, बोल रहा है मैं तुम्हें टेलीपोर्ट करवाऊँगा जगह पर ले जा करके, मैं पैराडॉक्स की तरफ शायद ड्राइवर देखो, लड़ाई मत करो और ना डरो, हम लोग दोस्ती करना चाहती है तुमसे, हमने लड़ाई कर ली कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हम अब इस दुश्मनी को दोस्ती बदलना चाहते हैं ड्राइवर, तुम्हारा फ़ायदा होगा और हमारा भी फ़ायदा होगा, हम भी एक बहादुर इंसान से दोस्ती करना चाहते हैं। मेरे दोस्त पैराडॉक्स ने, मतलब मेरे मालिक पैराडॉक्स ने यही बोला है कि तुम्हें सही सलामत महल में लेकर के जाऊँ मैं। ड्राइवर ने भी फिर सोचा, देखो ड्राइवर भी ज़्यादातर यही सोचता है, आपको पता है कि दुश्मन दोस्त बन जाए इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, ड्राइवर का तो पहले से ही रूल है। तो ड्राइवर ने बोल दिया हाँ ठीक है चलो, तो चलिए टेलीपोर्ट मेरे को करवाएगा एंड अब फाइनली हम लोग करेंगे पैराडॉक्स से दोस्ती। मैंने इसको स्किप कर दिया एंड थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। मैं यहाँ पर आया तो सेम वही चीज़ थी, बहुत सारे बंदे यहाँ पर घुटनों पर बैठे हुए थे, मेरा स्वागत कर रहे थे। पैराडॉक्स ने बोला कि तुम बहुत अमेजिंग और बहादुर इंसान हो, आपके और भाई वाली बातें से नहीं बोली, बस यही बोला कि तुम अमेजिंग हो ट्रेवर, तुम्हारे लिए कुछ स्वागत की एंट्री तो बनती है, तुम फर्स्ट टाइम मेरे पास यहाँ पर आए हो, झूठ बोल रहा नमूना। तो उसके बाद फिर इसने बोला देखो
मैं हूँ पैराडॉक्स। इसने बहुत सारी बातें मेरे को फिर से बोली अपने बारे में कि मेरी शक्ल पर मत जाना, मेरे साथ कुछ हादसे हो गए थे, बट मैं वो सब चीज़ सही कर लूँगा ट्रेवर, हम दोनों मिल करके काम करेंगे आगे से। देखो मेरी और तुम्हारी कभी कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे कोई एक ऐसे इंसान की तलाश है जिसमें बहादुरी हो। तुम मेरी पावर को यूज़ करना, मैं तुम्हारी पावर को यूज़ करूँगा ट्रेवर, मिल करके काम लेते हैं, दुश्मनी से कोई फ़ायदा नहीं होगा, और मैं वादा करता हूँ वक्त आने पर तुम्हें मास्टर जेड से भी मिलवाऊंगा। ये बात इसने आखिर में बोली तो ट्रेवर मान गया। ये बस मेन वजह, नहीं तो ट्रेवर एक बार को मना भी कर सकता था, बट इसने मास्टर जेड का नाम लिया और मिलवाने की बात बोली तो ट्रेवर ने बोला ठीक है मैं तुमसे दोस्ती करूंगा एंड आगे से मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा, तो मेरी बात मानना एज अ दोस्त, जैसे माइकल हमारे दोस्त है, बस इसने दोस्ती करी है तो ठीक है, दोस्ती फाइनली पैराडॉक्स से हो चुकी है। इसने फिलहाल अभी कोई ड्रिंक नहीं पिलाई पिछली बार की तरह, कोई ऐसा कुछ नहीं बोला मैं तेरा भाई हूँ, बस एक नेचुरल हमारे दुश्मन था, पहले आपको याद होगा ट्रेवर्स के बारे में जानता था, बस एक दुश्मन ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ समझ लीजिए आप। थोड़ी देर मोजेक भी आने वाला है यहाँ पर, ट्रेवर मोजेक से मिलेगा मिल करके जाएगा एंड उसके बाद देखते हैं अब क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो ठीक है चलिए भाई, ये एपिसोड यहीं तक था, अब आएगा मज़ा क्योंकि पैराडॉक्स ने दोस्ती कर ली है, क्यों करी है समझ नहीं सकते, और कोई मेमोरी से का छेड़छाड़ भी नहीं कर आपकी बार तब भी दोस्ती करी। बस कुछ वक्त और इंतजार कर लो बाबा, मैं वादा करता हूँ आप वापस लौट आओगे और हमारा दुश्मन ऐसे ही किसी जमीन में पड़ा होगा और कोई नहीं होगा उसको पूछने वाला। मदद करी, मुझे नहीं पता उसे लेकर आओ।